अमेज़ॉन पर US के लिए सेलर अकाउंट कैसे बनाएं? आप में से काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे यही प्रोसेस जानने के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाने वाला हूं, जिसको देखने के बाद आप बहुत इजीली अमेज़ॉन US पर अपना सेलर अकाउंट बना पाओगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अंकित चंदेल। आई हेल्प एंटरप्रेन्योर्स टू स्टार्ट देयर बिजनेस इन USA। So consider subscribing my channel if you are interested in such videos। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम Google पर सर्च करेंगे Amazon Seller Central। उसके बाद सबसे ऊपर लिंक आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं sellercentral.amazon.in। तो .in वाला इंडिया के लिए हैं, हमें इस पर क्लिक नहीं करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तब आपको sellercentral.amazon.com वाला लिंक मिलेगा। तो ये .com वाला लिंक आपको ओपन करना है। अब आपके सामने कुछ इस टाइप से इनकी साइट खुलकर आएगी, यहाँ आप साइन अप पर क्लिक कर सकते हैं। गेट स्टार्टेड सेलिंग ऑन Amazon, यहाँ पर ये आपसे लॉगिन डिटेल्स मांग रहा है, बट क्योंकि अभी तक हमारा अकाउंट तो है नहीं, तो हम क्लिक करेंगे क्रिएट योर Amazon अकाउंट पर। अब क्रिएट अकाउंट में अपना फुल नेम डालना है, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस डालना है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ईमेल एड्रेस पर एक OTP जाएगा, वो आपको यहाँ पर डालना होगा। OTP डालकर वेरीफाई कर देंगे, फिर आपके सामने ये पेज खुलकर आ जाएगा। आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहेंगी आगे अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करने के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा है व्हाट यू विल नीड, वैलिड गवर्नमेंट इशूड ID और पासपोर्ट, रीसेंट बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, चार्जेबल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, मोबाइल नंबर, दैट्स इट। इसके अलावा आपको अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब यहाँ नीचे ये आपसे आपके बिजनेस की लोकेशन पूछ रहा है, यहाँ पर आप यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप UK के लिए बना रहे हैं तो UK सेलेक्ट कर लेंगे। तो जिस कंट्री में भी आप सेल करना चाहते हैं वो कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, बट उस कंट्री में या तो आप रेसिडेंट होने चाहिए या फिर उस कंट्री में आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो सोच समझकर आप यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ ये मांग रहा है बिजनेस इन्फॉर्मेशन, बिजनेस लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स लिखकर आ गई, बिजनेस टाइप इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस। प्लीज़ इंश्योर योर बिजनेस टाइप सेलेक्शन इज़ करेक्ट, तो आप ये सब सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। अब यहाँ नीचे आएंगे, बिजनेस नेम यूज टू रजिस्टर विद योर स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आप अपनी LLC या C-Corp जो भी आपने रजिस्टर करवाया है USA में वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर XYZ LLC लिख देता हूँ। उसके बाद आई कन्फर्म माई बिजनेस लोकेशन एंड टाइप आर करेक्ट, यहाँ पर आप चेक करेंगे और फिर अग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब ये यहाँ पर आपसे कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, तो आपका जो फॉर्मेशन सर्टिफिकेट होता है या आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें सबसे ऊपर आपका एक फाइल नंबर होता है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। या फिर आप अपने CPA से पूछ लीजिए क्या आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद नीचे ये पूछ रहा है रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, जो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नॉर्मली एड्रेस मिलता है वो एक कॉमन एड्रेस होता है, क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस होता है और हर स्टेट में जनरली एक या दो ही रजिस्टर्ड एजेंट्स होते हैं। तो जितने भी बिजनेसेस रजिस्टर होते हैं एज अ नॉन रेसिडेंट वो सब वही सेम एड्रेस यूज़ करते हैं। Amazon सेम एड्रेस पर अगर एक से ज़्यादा बिजनेस रजिस्टर्ड हैं और यहाँ पर आपने एंटर किया हुआ है उस एड्रेस को रिजेक्ट कर देता है, मतलब आपका जो सेलर अकाउंट बनेगा उसको सस्पेंड कर देगा। इसलिए आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अपने CPA से बात कीजिए कि वो एक यूनिक एड्रेस आपको प्रोवाइड कर दें। यूनिक एड्रेस के थोड़े अलग आपको एक्स्ट्रा चार्जेस शायद देने पड़ेंगे, वो देकर आप एक यूनिक एड्रेस ले सकते हैं और यहाँ पर वो एड्रेस एंटर कर सकते हैं। यहाँ हम एक एड्रेस डाल देंगे, उसके बाद रिसीव पिन थ्रू SMS और कॉल। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा इस पिन को रिसीव करने के लिए। यहाँ आप अपना इंडिया वाला मोबाइल नंबर डाल सकते हैं,
तो यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कीजिए और अपना इंडिया वाला मोबाइल नंबर डाल दीजिए, या आप जिस भी कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। हम ये कैप्चा डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद वेरिफिकेशन कोड डाल देंगे। अगर आपको USA में बिजनेस रजिस्ट्रेशन या फिर टैक्स फाइलिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ankitchandel.com। वहाँ पर आपको मेरा WhatsApp, Instagram, LinkedIn, ईमेल सब कुछ मिल जाएगा, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब फर्स्ट स्टेप हमारा पूरा हो गया, टोटल ये 5 स्टेप्स हैं। अब हम सेकंड स्टेप पर हैं, सेलर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो यहाँ आप अपना फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप सेलेक्ट करेंगे, जिस कंट्री की भी आपके पास सिटीजनशिप है आप सेलेक्ट कर लीजिए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ से भी आप हैं। कंट्री ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आपकी बर्थ हुई है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फिर रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है। अब ये रेजिडेंशियल एड्रेस ज़रूरी नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स का ही हो, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस कहीं का भी हो सकता है, जहाँ पर भी आप अभी करंटली रहते हैं वो एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए। बट उस एड्रेस का एड्रेस प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा जो एड्रेस आपके पासपोर्ट में लिखा है वही एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए, जिससे आप एड्रेस प्रूफ में अपना पासपोर्ट दे पाएँ। अब यहाँ पर कन्फर्म इफ प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन इज़ अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ द बिजनेस, इज़ अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिजनेस। तो इन दोनों पर आपको चेक करना है, क्योंकि आप ही अपने बिजनेस के बेनिफिशियल ओनर हो और आप ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी हो। प्राइमरी कॉन्टैक्ट इज द ओनली बेनिफिशियल ओनर ऑफ द बिजनेस। तो अगर आप सिंगल मेंबर हो अपने बिजनेस के या सिंगल ओनर हो तो यहाँ पर यस कर देंगे, और अगर आपकी पार्टनरशिप है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे, और आपको अपने अदर पार्टनर्स की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डालनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर चेक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ गया, ऐड अ बैंक अकाउंट। यहाँ पर बैंक अकाउंट होल्डर नेम, तो अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो आपको अपने बिजनेस के आगे यहाँ पर सेलेक्ट करना है, अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो आपको वो सेलेक्ट करना है। अब क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बिजनेस सेलेक्ट किया था तो मैं समझ रहा हूँ आपका बिजनेस अकाउंट ही होगा, तो हम इस पर टिक कर देंगे। कंट्री US। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नेम, यहाँ पर आपको अपने बैंक का नेम सर्च करना है। तो अगर इस लिस्ट में आपके बैंक का नेम नहीं है तो आप मैनुअली यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मेरा अकाउंट मर्करी में है तो मैं मर्करी यहाँ पर लिखूँगा। उसके बाद बैंकिंग डिटेल्स डालनी है, यहाँ पर राउटिंग नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, फिर मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी। यहाँ पर आपको अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या फिर डेबिट कार्ड डिटेल्स डालनी है, क्योंकि अमेज़ॉन की एक 39.99 USD की मंथली फ़ीस होती है फॉर सेलर्स। अगर आप अमेज़ॉन पे सेल करना चाहते हैं तो ये फ़ीस आपको पे करनी ही होती है, उसके लिए आपको अपना डेबिट कार्ड यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तब आपकी ये फ़ीस डेबिट होगी, अभी डेबिट नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं एक कार्ड डिटेल्स डाल देता हूँ। अब यहाँ स्टोर एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। स्टोर नेम में ज़रूरी नहीं है जो आपकी LLC का नेम है या कंपनी का नेम है वही हो, स्टोर नेम कुछ भी हो सकता है, बट मैं यहाँ पर XYZ ही लिख देता हूँ। उसके बाद डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड फॉर ऑल योर प्रोडक्ट्स, तो अगर आपके पास है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए, मैं यहाँ पर नो कर रहा हूँ। डू यू हैव एनी डाइवर्सिटी क्लैरिफिकेशन, दैट इज़ माइनॉरिटी वुमेन, ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ पर मैं नो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं है ऐसा कुछ। डू यू ओन अ ब्रांड और डू यू सर्व एज अ एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव और मैन्युफैक्चरर ऑफ अ ब्रांड, तो यहाँ पर सम ऑफ देम कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रेडमार्क है तो आप वो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर नो कर दीजिए। अब यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ बिजनेस इन्फॉर्मेशन और सब कुछ अपनी डिटेल्स चेक कर लीजिए एक बार। उसके बाद पासपोर्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ आपको अपलोड करना है अपना पासपोर्ट। पासपोर्ट अपलोड करने के बाद हम इस स्टेप पर आएंगे, ये लास्ट स्टेप है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन।
choose one of the available options to verify your identity. तो first option है take a photo of your face. This option may result in faster verification. You can complete this step at your convenience and don't have to wait for an associate to be available. तो इसमें आपको अपना एक फ़ोटो क्लिक करके और अपनी आईडी के साथ फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करना होता है और ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है अगर आपका फेस मैच हो जाए आपकी आईडी से. अदरवाइज सेकंड ऑप्शन भी अवेलेबल है, ज्वाइन अ वीडियो कॉल विद एन एसोसिएट. तो इसमें क्या होता है कि एक वीडियो कॉल शेड्यूल होती है, अमेज़ॉन का एक एसोसिएट होता है अदर साइड पर, वो आपको चेक करता है, फिर आपसे बोलता है अपनी आईडी दिखाओ, उसके बाद मैनुअली वेरीफिकेशन करता है. तो अगर फर्स्ट ऑप्शन में आपका वेरिफिकेशन फेल हो रहा है ऑटोमेटिक वाला, उस केस में आप सेकंड ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं क्योंकि उसमें मैनुअली कोई बंदा वेरीफाई करेगा. तो मैं तो रिकमेंड करूँगा फर्स्ट ऑप्शन ही ऑप्ट कीजिए, जल्दी हो जाएगा. तो देखिए यहाँ पर ये सब पूछेगा, यहाँ पर आपको चेक करना है, फिर नेक्स्ट करना है. अब व्हाट कंट्री इज़ योर गवर्नमेंट आईडी फ्रॉम, तो जिस कंट्री से भी आप हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए. उसके बाद ये बोलेगा अपनी आईडी का फ़ोटो क्लिक करो, उसके बाद सेल्फी लेने को बोलेगा. मेरा वेरिफिकेशन फेल हो चुका है. तो अब देखते हैं अगर वेरिफिकेशन फेल हो जाता है तो हम सेकंड ऑप्शन में क्या कर सकते हैं. अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे. अब यहाँ आप एक सूटेबल डेट एंड टाइम चूज़ कर सकते हैं अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से. उसके बाद उस टाइम एंड डेट पर आपका एक कॉल शेड्यूल हो जाएगा, वो एक वीडियो कॉल रहेगा, उसमें आपको अपना आईडी शो करना होगा वेबकैम के सामने और आप भी रहोगे, तो वो एक एजेंट अमेज़ॉन का एजेंट उसको वेरीफाई करेगा. तो मैनुअल वेरीफिकेशन आपका इस तरह से हो जाएगा. देखिए यहाँ पर ये सारी डिटेल्स लिखी हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा और फिर आई एक्नॉलेज पर क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हैं और शेड्यूल हो जाएगी. मैं शेड्यूल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं करवाना है, बस ये वीडियो बनाने के लिए मैंने ये सारे स्टेप्स करे हैं, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ अब. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा. वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा. एंड फ्रेंड्स, मैंने USA में बिज़नेस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये प्लेलिस्ट बना रखा है, इसमें आपको USA में बिज़नेस से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. तो डोंट फॉरगेट टू चेक दिस आउट. इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.